ये सभी ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ नॉर्मली हम जेरंड का इस्तेमाल करते हैं, यानी इन सभी वर्ड्स के साथ हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एडमिट, अप्रिशिएट, अवॉइड, डिसलाइक, एंजॉय, डिटेस्ट, एस्केप, रिस्क, फिनिश, फॉरगिव, कीप। यहाँ मैं बता दूं, जब कीप का सेंस कंटिन्यू रखना हो तो मीन इन्वॉल्व के सेंस में, माइंड ऑब्जेक्ट के सेंस में, प्रपोज सजेस्ट के सेंस में, रिमेम्बर यानी रिकलेक्ट के सेंस में, प्रिवेंट प्रेजेंट फैंसी यानी इमेजिन के सेंस में, यानी जब हम कल्पना करते हैं उस सेंस में हम फैंसी के साथ आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, सेव स्टॉप एंटीसिपेट कंसीडर डिफर डिले डिनाई ड्रेड एक्सक्यूज इमेजिन इन्वॉल्व लूथ मिस पार्डन पोस्टपोन प्रैक्टिस रेसिस्ट सजेस्ट अंडरस्टैंड। नॉर्मली इन सब के साथ हम जेरंड का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखें कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके साथ आप जेरंड और इन्फिनिटिव दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अगर आप चाहें कि इनके साथ हम एक जेरंड का इस्तेमाल करें तो आप कर सकते हैं, और अगर आप चाहें कि मैं एक इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करूं तो आप कर सकते हैं। और वो सभी वर्ब हैं एडवाइज एग्री अलाउ कंटिन्यू फॉरगेट हेट इंटेंड लाइक लव मीन नीड परमिट ट्राई परपज रेकमेंड रिग्रेट रिमेम्बर रिक्वायर स्टॉप यूज टू वांट Ashamed, afraid of, sorry, go or prefer, ये सभी ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ आप एक इन्फिनिटिव का या एक जेरंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दोनों में से जो आप चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूं, जिसे यकीन करना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि वर्ड स्टार्ट के साथ सिर्फ हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक जेरंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि ऐसा सोचना सरासर गलत है। आइए सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा दूं, आप खुद इसे पढ़ लें ताकि आपको यकीन हो जो मैंने बताया वो सही है। आप यहाँ देखें, यह एक बहुत अच्छी किताब है और ये लेसन है जेरंड का, और यहाँ पर बताया गया है जेरंड वाक्य में वर्ब प्लस नाउन यानी वर्बल नाउन की तरफ फंक्शन करता है। उसी प्रकार सिंपल इन्फिनिटिव जिसे नाउन इन्फिनिटिव भी कहते हैं वह भी वाक्य में वर्ब प्लस नाउन का कार्य करता है। इसी कारण से बहुत सारे वाक्यों में जेरंड या इन्फिनिटिव किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। आप इस लाइन पे गौर करें, इसी कारण से बहुत से वाक्यों में जेरंड या सिंपल इन्फिनिटिव किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा करने से वाक्य के अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है। निम्न वर्ब के साथ जेरंड और इन्फिनिटिव किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। आप यहाँ गौर करें, स्टार्ट इसी वर्ड को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। आइए यहाँ कुछ एग्जांपल्स देख लें। दे बिगेन टू प्ले, वी प्रीफर टेकिंग टी, वी प्रीफर टू टेक टी, वी नेवर सीज्ड कंप्लेनिंग अबाउट द क्वालिटी, वी नेवर सीज्ड टू कंप्लेन अबाउट क्वालिटी, I can't bear waiting so long. I can't bear to wait so long. I intend buying it. I intend to buy it. He advised me writing today. He advised me to write today. He doesn't allow parking here. He doesn't allow us to park here. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह बात शानदार तरीके से समझ में आया कि वर्ड स्टार्ट के साथ आप एक जेरंड या इन्फिनिटिव दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे दोनों में से कोई करे आपके सेंटेंसेस रॉन्ग नहीं होंगे। आइए अब जेरंड का इस्तेमाल सब्जेक्ट के तौर पर देखें, यानी देखें कि एक जेरंड को आप सब्जेक्ट के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो तैरना सेहत के लिए अच्छा है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यानी तैरना सेहत के लिए अच्छा है। अगर आपको कहना हो झूठ बोलना गुनाह है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे टेलिंग अ लाई इज सिन, नशा करना सेहत के लिए नुकसान है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, यानी नशा करना सेहत के लिए नुकसान है। खाना पकाना एक कला है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे कुकिंग इज एन आर्ट, यानी खाना पकाना एक कला है। इस सेंटेंस में आया वर्ड कुकिंग एक जेरंड है जो यहाँ सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया गया है, यानी सब्जेक्ट के जगह पर इस्तेमाल किया गया है। अगर आपको कहना हो दौड़ना एक वर्जिश है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे रनिंग इज एन एक्सरसाइज, यानी दौड़ना एक एक्सरसाइज है। यहाँ पर आपके सेंटेंस में आया रनिंग एक जेरंड है जो सब्जेक्ट के तौर पर आया हुआ है। हंसना सेहत के लिए अच्छा है, लॉफिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो फ्रेंड्स आपने सीखा कि यहाँ आपके सेंटेंस में आया जेरंड सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, यानी उन्हें एक सब्जेक्ट की जगह पर लिखा गया है। आइए देखें कि एक जेरंड का इस्तेमाल आप ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट की जगह पर कैसे करेंगे। अगर आपको कहना हो मुझे लिखना पसंद है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई लव राइटिंग, यहाँ आपके सेंटेंस में आया राइटिंग एक जेरंड है जो ऑब्जेक्ट के तौर पर
आया हुआ है। मैंने वर्ब के बाद लिखा है राइटिंग। मुझे खाना पकाना पसंद है, आई लाइक कुकिंग। मुझे नाचना पसंद है, आई लाइक डांसिंग। मुझे गाना गाना पसंद है, आई लाइक सिंगिंग। अगर आपको कहना हो कि मारना बंद करो तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे स्टॉप किलिंग। यहाँ आपके सेंटेंस में आया किलिंग एक जेरन है जो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने सीखा कि जेरन का इस्तेमाल आप सब्जेक्ट के तौर पर करते हैं और आप ऑब्जेक्ट के तौर पर भी करते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, एक जेरन का इस्तेमाल किसी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर भी किया जाता है। जैसे अगर आपको कहना हो कि वह लिखने का शौकीन है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज फॉन्ड ऑफ राइटिंग, यानी वह लिखने का शौकीन है। यहाँ पर आपके सेंटेंस में आया राइटिंग एक जेरंड है जो कि एक प्रेपोजिशन ऑफ के बाद आया हुआ है, यानी यहाँ पर जेरंड किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अगर आपको कहना हो कि हम लोग लिखने से थक गए हैं तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वी आर टायर्ड ऑफ राइटिंग, यानी हम लोग लिखने से थक गए हैं। यहाँ आपके सेंटेंस में आया राइटिंग एक जेरंड है जो कि एक प्रेपोजिशन के बाद आया हुआ है, यानी प्रेपोजिशन ऑफ के बाद आया हुआ है। इसलिए यहाँ पर एक जेरंड का इस्तेमाल किसी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर किया गया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को समझा कि जेरंड का इस्तेमाल आप सब्जेक्ट के तौर पर कर सकते हैं, आप किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर कर सकते हैं, और जेरंड का इस्तेमाल आप किसी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ मैंने करके दिखाया।